अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूं, और मैं आप तमाम के जरिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहजीब, सखाफत, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूं कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहां पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर राय दहिंदे निकल कर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे। हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और पोलिंग परसेंटेज बढ़ना बेहद ज़रूरी है। उमूमन ये देखा जा रहा है कि पूरे मुल्क में जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो इसलिए हम आवाम से, जनता से, राय दहिंदगान से अपील कर रहे हैं कि आधे घंटा भी नहीं लगेगा आपको, निकलिए, अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बैलेट पेपर बहुत दिनों के बाद यूज किया जा रहा है। हाँ, बैलेट पेपर का, बैलेट पेपर यकीनन सही बोल रहे प्रसाद साहब, बैलेट पेपर काफ़ी बरसों के बाद हैदराबाद में इसका इस्तेमाल हो रहा है, मगर बड़ा आसान है। आपको पेपर दिया जाएगा जहाँ पर आपकी पसंद का कैंडिडेट या पार्टी होगी, उसके बाजू आपको स्टैंप लगाना है और उसी तरह उसको फोल्ड करके आपको डाल देना है। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। आप लड़ाई किससे? कितना बड़ा आप इसको चुनाव के लिए, यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये यकीनन ये चुनाव तो मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है ना, हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए, हैदराबाद के फ्यूचर के लिए, और यूथ का तो फ्यूचर उन्हीं का है, तो जाहिर है उनको अपने फ्यूचर को तय करने के लिए निकल कर वोट डालना पड़ेगा। आपकी मेन लड़ाई किससे, टीआरएस से या बीजेपी से? किससे हमारी लड़ाई? आपकी मेन लड़ाई किससे इस चुनाव में, टीआरएस से लड़ रहे हैं या बीजेपी से? मेन आपकी पार्टी कौन है जिससे आप मुकाबले में हैं? किससे भी लड़ाई नहीं है हमारी, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बोलूंगा मैं? आगे निकल की बात उन्होंने की? नहीं नहीं, देखिए आप ऐसा सवाल करके आप तो बच के निकल जाएंगे।